ये सब जो हमने आपको नाम बताए, ये सब वो लोग हैं जिन्हें कांग्रेस की सरकार के समय केंद्र सरकार में उसी लेटरल एंट्री के जरिए जगह मिली और बड़े बड़े पद दिए गए, जिसका आज कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हमने आपको ये सिर्फ 3 नाम ही बताए हैं। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में लोगों को बड़े पद देने की कांग्रेस पार्टी की ये लिस्ट अभी काफ़ी बड़ी है, लेकिन अब क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो आज इसी लेटरल एंट्री स्कीम का विरोध कर रही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये लेटर एंट्री पॉलिसी है क्या जिसे लेकर इतना विरोध चल रहा है, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने किन किन लोगों को इसी लेटरल एंट्री के जरिए अपने समय में केंद्र की सरकार में जगह दी थी। सबसे पहले आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि लेटरल एंट्री होती क्या है। आप और हम सब जानते हैं कि देश में नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, और इसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद IAS या बाकी नौकरियां मिलती हैं। यही IAS अधिकारी फिर आगे चलकर डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और सेक्रेटरी बनते हैं और केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को चलाते हैं। लेकिन लेटर एंट्री एक ऐसी पॉलिसी है जिसपे UPSC क्लियर कैंडिडेट को नहीं, इन डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और सेक्रेटरी जैसे पदों के लिए प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की भर्तियाँ की जाती हैं। ये डायरेक्ट भर्तियां होती हैं, माने इसके लिए UPSC क्लियर करना जरूरी नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये भर्तियां ऐसे ही कर ली जाती हैं और ऐसे ही किसी को भी भारत सरकार के मंत्रालयों में भेज दिया जाता है। इसके लिए कैंडिडेट के पास लगभग मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में होना चाहिए, उसकी उम्र 45 साल होनी चाहिए, उसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और लेटर एंट्री के जरिए भर्ती करने वालों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग शामिल नहीं होते। यानी सरकार अपनी पसंद, ज़रूरत और सब कुछ देख परख कर लेटर एंट्री के जरिए कैंडिडेट को चुनती है, क्योंकि ये भर्तियां काफ़ी बड़े लेवल के लिए होती हैं। आप ये जान लीजिए कि ये लेटर एंट्री स्कीम कोई आज की नहीं है, इसे साल 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद इसके जरिए बहुत सी डायरेक्ट भर्तियां हुई हैं। और इसी लेटर एंट्री के लिए हाल ही में UPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया 45 पोस्ट के लिए, और उसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। पक्ष और विपक्ष इस मामले में आमने सामने आ गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने इसे लेकर केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर सरकार SC ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीनने का काम कर रही है। यहां तक लालू, अखिलेश और मायावती भी राहुल के सुर में सुर मिलाते नजर आए। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे, कहां से आए थे? कोई IAS IPS थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना? पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया कहाँ से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। वहीं हम आपको कुछ ऐसे लेटर एंट्रियों के बारे में बताते हैं जिन्हें कांग्रेस सरकार के समय केंद्र सरकार में इसी स्कीम के जरिए शामिल किया गया था। साल 1971 में मनमोहन सिंह लेटर एंट्री के जरिए ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में एडवाइजर के रूप में सरकार में शामिल हुए थे। फिर बाद में वे वित्त मंत्री बने और फिर देश के प्रधानमंत्री। रघुराम राजन ने भी लेटर एंट्री के जरिए ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम किया। बाद में 2013 से 2016 तक वे RBI के गवर्नर रहे। बिमल जालन ने भी लेटर एंट्री के जरिए कांग्रेस सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर काम किया, फिर वह भी RBI गवर्नर बने। सैम पित्रोदा प्रधानमंत्री के एडवाइजर रहे। कौशिक बसु, वी कृष्णमूर्ति, अरविंद बिरमानी भी लेटर एंट्री के जरिए सरकार में शामिल हो चुके हैं। वहीं मोंटेक सिंह आहलूवालिया, जो UPA 2 के टाइम डिप्टी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के, वे भी इसी लेटर एंट्री के जरिए ही सरकार में शामिल हुए थे। मतलब साफ है कि जब कांग्रेस खुद सरकार में थी तब लेटर एंट्री का भरपूर आनंद उठाया और अपने लोगों को डायरेक्ट भर्तियां की, लेकिन अब जब खुद विपक्ष में आ गए तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज प्लस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।